अस्सलाम वालेकुम, कैसा है सब लोग? आज तो नहीं, 15 अक्टूबर को मेरा चैनल बना था और 21 अक्टूबर को पहली वीडियो डली थी, तो ऑफिशियली 1 साल कम्प्लीट हो चुका है मेरे चैनल को, हमारे चैनल को, मैं अकेला नहीं हूँ। तो उस पूरे 1 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, पूरे 1 साल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो लंबी चली जाए तो माजरत, क्योंकि मेरी वीडियो पे व्यूज पहले ही नहीं आते, तो अपनी पूरी 1 लाइफ जर्नी स्टार्ट करूंगा मैं भी, तो शुरू करते हैं। तो आज मेरा पहला ऐसा व्लॉग है जिसमें मैंने स्क्रिप्टिंग की है, क्योंकि इसमें मेरे को अल्फाज बहुत थे और टाइम कम था। तो आज चैनल के पूरे 1 साल होने पे हम बात करेंगे। मुझे पता है वीडियो एक महीना, बल्कि जब भी आएगी तो कम से कम 2 महीना लेट हो जाएगी वीडियो, आई न्यू इट, लेकिन बात तो करनी है ना यार। तो इस चैनल का आगाज ऐसे हुआ था कि मैं और नुमान, उस वक्त आई वाज इन सेकंड ईयर, नुमान वाज इन फर्स्ट ईयर, तो हम दोनों कॉमर्स के स्टूडेंट थे, हम हैं ट्रेनी हैं, और नुमान मेरे साथ पढ़ता था। तो हम दोनों आ रहे थे रात को, तो मुझे ख्याल आया यार, उस वक्त मैं बहुत यूट्यूब में मसरूफ रहा करता था, तो मैंने नुमान को बोला, नुमान एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं फनी का। तो उस वक्त मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था कि बनाना क्या। तुम्हारा बोला ठीक है यार बनाते हैं, लेकिन टेक चैनल बनाते हैं, क्योंकि नुमान को टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक है, हद से ज़्यादा। उसके अभी भी 2-3 टेक चैनल चल रहे हैं, तो मेरा तो ये एक ही चैनल है। तो नुमान ने बोला ठीक है यार चलो करते हैं। तो नुमान और मैं वहाँ से आए, तो हम लोग बैठे हमारी थली में, हम लोगों ने वापस स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दी। स्क्रिप्टिंग के बाद जुनेद आया, मैंने जुनेद को बोला कि यार हमने एक वीडियो बनानी है। जुनेद पहले हंसा, बोला चलो ठीक है, जुनेद का कज़न आ गया, उन्होंने हमें वीडियो लिख के दे दी, स्क्रिप्ट बस सही है, स्क्रिप्ट लिख के दे दी। मैंने 15 अक्टूबर को अपना चैनल बना डाला, 21 अक्टूबर को पहली वीडियो डाल दी। पहली वीडियो कैसी बनी हमारे, हमें कोई आइडिया नहीं था। साबिर में नुमान अब्बास, अब्बास को मनाया, मैं लोगों को मनाया, तो कैमरा मैन नहीं, फिर मैं जैद को पकड़ के लाया, आप उसको नहीं जानते हो, ये तस्वीर देख लो, मैं जैद को पकड़ के लाया, उसने कैमरा पकड़ा। तो वो दिन मुझे अभी भी याद है, पहली पिस्टल थी हमारे हाथ में, पिस्टल रखी दो मैंने साबिर के हेड पर रखी थी यहाँ पर, तो पूरा रोड जमा हो गया था। तो वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ, पहली वीडियो बनाई, मुझे ना कट्स का पता, ना साउंड का पता, और ना एडिटिंग का पता। फिर वक्त आया शूटिंग का, टाइम डिसाइड हुआ, तो टाइम डिसाइड हुआ सुबह 7 बजे का, सही है हो जाएगा। मैंने डिसाइड किया कि मैंने बोला सुबह 7 बजे शोर नहीं होता, रोड खाली होते हैं और गलियाँ सुनसान रहती हैं, लोग नहीं होते, सबने बोला सही है। पहला दिन 6:30 बजे पहुंच गया, तो लड़कों को जमा किया, जिनको बोला था उनसे कुछ आया कुछ नहीं आया, जैद को बुलाया, कैमरा पकड़वाया, पहले दिन सही है हो गया, पहले दिन शूट हो गई, दूसरे दिन भी हो, मतलब दूसरी वीडियो की शूट हो गई। तो उसके बाद ये टाइम होने लग गया यार कि बड़ा मुश्किल हो गया करना, सुबह 7 बजे गेट पर कट ऑफ, फ़ोन करो, मैसेज करो, आ रहा हूँ, 9 बजे, फिर वही बात, रश लोगों का, ट्रैफिक, वो भी शर्म वाली बात थी, हो गए किसी तरीके से कर करके, कभी आते कभी नहीं आते। तो मतलब कि शुरू के 2-3 महीने में आई वॉज इन फुल डिप्रेस हो गया मैं। मैंने कहा यार अब नहीं होगा, चैनल क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे ऊपर वो नहीं यार, बनाया क्यों था, किस लिए बनाया था, अपना शौक पूरा करने के लिए बनाया था, अपना पैशन पूरा करने के लिए बनाया था, मेरा पैशन क्या था। ये पहली बार नहीं था, इसके बाद भी बहुत बार डिप्रेशन वाला टाइम आया, मतलब हर यूट्यूबर को ही आता है, मुझे भी आया। हर बार मैं ये सोचता कि ये चैनल बनाया क्यों मैं, ये सोच के अपने आप को मैं मोटिवेट करता, कोई बात नहीं यार, लड़की नहीं आ रही, खुद बनाऊंगा। उसके बाद मैंने वीडियोज अकेले बनाई, मैं अभी भी अकेले बना रहा हूँ, मैंने वीडियोज अकेले बनाई। फिर टाइम आया वो जहाँ कोई साथ नहीं था, फिर आप बोलोगे साथ नहीं से क्या मतलब, बताते हैं चलो। मैं अकेला पड़ गया था से ये मतलब है कि उस वक्त हर ही बंदा नुमान और साबिर के अलावा चैनल छोड़ के जा चुका था।
अब उनके चैनल छोड़ के जाने की बहुत सारी वजूहत थी। मैं आप बताने से फिलहाल कासिर हूँ। तो उस वक्त भी वो स्टेज ऐसा था जहाँ मैं डीमोटिवेट हुआ, बोला चलो यार। और उस वक्त पेपर भी स्टार्ट होने वाले थे मेरे सेकंड ईयर के, साबर के सेकंड ईयर के, नुमान के फर्स्ट ईयर के। मैंने नुमान साबर को बोला तुम दोनों पेपर से तैयारी करो, छोड़ो चैनल। फिर मैंने अपने आप को कहा चैनल तो चलाना है ना यार, पेपर होते रहेंगे, चैनल भी लाजमी है। उस वक्त मैंने मतलब पुराना देखता आ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में बीबी की वाइंस आया। तो मैंने बोला यार वो बंदा भी तो एक यूँ कैमरा पकड़ा होता है, बनाता है वीडियो। तो मैंने ट्राई किया। ये वो पहली दीवार थी जहाँ मैंने अपनी पहली पूरी मतलब कि सिंगल वीडियो बना दी थी, आई थिंक रॉन्ग नंबर पार्ट वन। अगर तुम भी कर सकते हो, अगर मुझ जैसा इंसान कर सकता है ना, तो तुम भी कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाई, फिर वहाँ से मेरा व्लॉगिंग का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ से व्लॉगिंग का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि उस दिन उन दिनों सीए करने का शौक था, और फॉरेन कंट्रीज से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आई हुई थी पीसी में। मैं वहाँ चला गया, तो मुझे सच्ची में कि व्लॉगिंग करने का वो जो होता है ना मोटिवेशन, वो मुझे इरफान या इरफान जो तो किसी और से नहीं मिला, पाकिस्तानी तो नहीं, इंडियन यूट्यूबर है मुंबई कर निकले। तो मैं उनको देखता था, उनके व्लॉग से मैं काफ़ी मुतासर हुआ, तो मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। उनकी व्लॉगिंग जो देखने के बाद मुझे इरफान भाई मिले, इरफान के बाद शहजाद मिला, काफ़ी फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर पर मुझे उस वक्त मिले। तो फिर मुझे व्लॉगिंग करने में और आसानी होगी कि आइडियाज़ मुझे अच्छे खासे आ चुके थे। लेकिन फिर भी यार चैनल चलाना था। मैं सोच रहा था अगर उस वक्त तक चैनल रुक गया, व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, चैनल आगे नहीं चलेगा, फिर वही वाली बात, फिर लोग कहेंगे देखो हम तुम्हें कह रहे थे छोड़ दो, उसमें कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है। उनको जवाब देना था, मैंने चैनल नहीं छोड़ा। पेपर्स का टाइम आ गया, मतलब पेपर सर पे आ गए, तो मैंने पेपर इन पेपर आउट वाले दो व्लॉग बनाए। मैंने फिर भी हार नहीं मानी, उन पेपर के दौरान भी वीडियो बनाता, व्लॉग बनाता, और पेपर के जब एंड हो गया तो उस वक्त मैंने वो वीडियोस दो व्लॉग पोस्ट कर दिए। पेपर का टाइम ख़त्म हुआ, तीन चार मेरे साथ वापस आ गए, फिर उस वक्त से फ़नी स्किट्स दोबारा शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से ही अल्लाह ने इज़्ज़त दी है यूट्यूब में। ये सारे मसले मसाइल आज भी हैं, हमेशा तक क्या पता रहेंगे, लेकिन जो मैंने एक साल में शुरू में फेस किया, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ, और ये कंप्लीट नहीं है, इसे क्या कह लो डेमो टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूबर्स की ज़िंदगी आसान नहीं होती। फिर वक्त आया एडिटिंग का। मैंने स्टार्ट में मोबाइल में फिल्मोरा पे एडिटिंग की, कैन मास्टर पे की, क्रैक करके मुनासिब चलता रहा। फिर मुझे एक दिन भाई साबिर साहब के पास लैपटॉप दिखा, मेरे पास पीसी था, मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता रहता था, नहीं होता था, तो उससे 4 GB रैम थी। आज भी बड़ा मैं तोशीबा का उसका ही लैपटॉप है जिस पर एडिटिंग करता हूँ, सोनी पे का स्क्रैच डाउनलोड किया, फटाफट चलाया था। अब यकीन नहीं मानोगे जो मैंने अपनी पहली वीडियो एडिट की थी ना, बगैर वॉइस के एडिट की, रेंडर ही बगैर वॉइस कर दिया, पाप होगा मुझे कैसे वो एडिटिंग आती होगी, लेकिन फिर भी सीख गया एडिटिंग किसी तरीके से। ये थंबनेल का नहीं पता था, ये टैग्स का नहीं पता था, लेकिन आज पता है। लेकिन आप अगर कोई काम करना चाहो, अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहो, तो खुदा भी उसको आपसे मिलाने की कोशिश करता है। शायद किसी मूवी का डायलॉग है आ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल पूरा हो गया, एडिटिंग का कुछ पता है क्या होती है, वीडियो बनाना आ गई सीख गया हूँ, इतना पता है कि वीडियो किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से लोगों को डील करना है, हैंडल करना है। सब्सक्राइबर अब आ रहे हैं माशाल्लाह से, चैनल बढ़ रहा है। आप लोग वही कहूँगा यार कि साथ देते हो, कोई काम करना चाहते हो तो उसको ऐसे करो कि मरते दम पे ये बोल सको कि हाँ यार जिंदगी में कुछ करके जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत भी लाजमी है। मोहम्मद शर्जील साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।